हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सिंपल इजी सी लौकी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी, जिसको बनाने का तरीका काफ़ी अलग है और टेस्ट में भी ये काफ़ी अलग है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें कोई प्याज कोई लहसुन का इस्तेमाल नहीं करा है, जिससे कि हर कोई ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकता है। तो अगर आपको ये रेसिपी ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लौकी काट कर तैयार कर ली है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स ली थी लौकी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉटल गॉड भी, और इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में काट कर मैंने तैयार कर लिया है। अच्छे से पील कर लें, धो लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में भिगो दिया है, ताकि लौकी जो है काली ना पड़े। तो बस पहला काम हमारा यही है, लौकी को काट कर तैयार कर लेना अच्छे से धोकर। और उसके बाद बस अब मैंने गर्म कर लिया है यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। अब तेल को गर्म करें और उसके अंदर डाल दें 1 चम्मच जीरा। ज़ीरे को हल्का सा तड़कने दें और उसके बाद इसमें डाल दें ये 8 से 10 करी पत्ता। करी पत्ता जो है बहुत ही अलग फ्लेवर ऐड करता है इस लौकी की सब्ज़ी में, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको डालना अगर आप इस तरीके से लौकी बनाना चाहते हैं तो। अब इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5, मैं ये डाल रही हूँ, साबुत लाल मिर्चें। जो गोल वाली छोटी साबुत लाल मिर्चें आती है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लंबी वाली साबुत लाल मिर्चें डालते हैं तो 2 से 3 भी डाल सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें कोई प्याज कोई लहसुन नहीं डालूंगी मैं, तो इसमें अब डायरेक्टली हमने डाल दिया है। 2 टमाटर लिए थे मैंने, जिसको सिंपली ब्लेंडर में चला लिया है और उस टमाटर का प्योरे जो है हमने इसमें डाल दिया है। मिक्स कर देंगे इसको, और अब इसमें डालेंगे मसाले, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नमक। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी, और साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। बस सारे मसालों के साथ इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसको पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से हमारे मसालों के साथ पक जाए। और ये पता कैसे चलेगा हमको, जब इसमें से ऑयल जो है बिल्कुल हल्का हल्का अलग होने लग जाएगा, मतलब कि हमारे मसाले पककर तैयार हो गए हैं। तो इस टाइम पे गैस का फ्लेम मैंने रखा है मीडियम, और मसाले पकाने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो कटी हुई लौकी है वो भी डाल देंगे, ताकि जैसे जैसे हमारे मसाले पक रहे हैं हमारी लौकी भी पकती चली जाए। तो लौकी डाल देते हैं इसमें, और अच्छे से अब इसको मिला लेंगे। तो लौकी जो है अब हमें पकानी है, और साथ साथ मसाले भी हमें पकाने हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे धीमा और ढक्कन ढक के इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे करीब 7-8 मिनट तक के लिए। और इसमें बिल्कुल भी किसी चीज़ को ऐड नहीं करना है आपको, कोई पानी नहीं डालना है इस टाइम पर, क्योंकि जब आप इसको थोड़ी देर पकाएंगे, आप देख सकते हैं मैं ढक्कन हटा के इसको चला रही हूँ जब, तो इसमें काफ़ी अमाउंट में मॉइस्चर आ गया है, क्योंकि लौकी काफ़ी अमाउंट में पानी छोड़ती है। और हम टमाटर में इसको पका रहे हैं तो टमाटर भी अच्छा क्वांटिटी में मॉइस्चर कंटेंट देता है सब्ज़ी में, तो बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस बीच में ढक्कन हटा के इसको चलाएं और फिर से दोबारा ढक दें। तो ये लौकी हमारे पककर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, मैंने इसको बीच में ढक्कन हटा के चला भी लिया था। 7-8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से अलग हो गया है बिल्कुल, और लौकी पार्शियली हमारी पक चुकी है। अभी पूरी तरह से हमारी लौकी पककर तैयार नहीं हुई है, तो अभी हम आगे इसको पकाएंगे। पर आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख चुका है इसका, ऑयल जो है अलग हो गया है, और रंग भी बहुत बढ़िया आ गया है, मतलब कि मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा और पका लेती हूँ मैं 1-2 मिनट तक, और उसके बाद हम धीमी आंच करके इसमें डालेंगे दही। तो ये 1-2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से और भून लिया है, और उसके बाद बिल्कुल फ्लेम धीमा रखें इस टाइम पर आप, और दही जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लाकर ऐड करें। ठंडी दही इसमें बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करनी है, बस रूम टेम्परेचर पर 1/2 कप दही बिल्कुल धीमी आंच पर इस पर ऐड कर दें। और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये अच्छे से दही को हमने इसमें मिला दिया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन ढक के धीमी आंच पर पकने देंगे, जब तक कि हमारी दही कंप्लीटली पक नहीं जाती, जिससे आप देखेंगे दही जैसे पकने लगेगी बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, लाल कलर ग्रेवी का, और साथ साथ
जो हमारी लौकी है वो भी कम्प्लीटली पक जानी चाहिए। तो धीमी आंच पर इसलिए छोड़ा है इसको ताकि लौकी भी पूरी तरह से पक जाए। तो आप बीच में ढक्कन हटा के इसको चला सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि लौकी कम्प्लीटली पकी है या नहीं। और जब तक इसमें इतना पानी है, जब तक पानी अच्छा सा इसका सूखने नहीं ले जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ये मैंने बीच में ढक्कन हटाया, आप देख सकते हैं दही ने कितना पानी इसमें छोड़ दिया है। इसीलिए शुरुआत में हमने बिल्कुल पानी इसमें नहीं डाला है, वरना सब्ज़ी में काफ़ी अमाउंट में पानी हो जाता है, जिससे सब्ज़ी बहुत बेस्वाद होने लग जाती है। तो सब्ज़ी को अपने ही मॉइस्चर में पकने देना ही सबसे बढ़िया टेस्ट लाता है किसी भी सब्ज़ी में। तो बहुत ही कम पानी का जब सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है और धीमी आंच पे कोई सब्ज़ी को पकाया जाता है सब्ज़ी के अपने मॉइस्चर में, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी सूख गया है और लौकी भी काफ़ी पक गई है, बस हल्की सी लौकी में और कसर है। तो जब तक आपकी लौकी कम्प्लीटली ना पके, आप इस तरीके से ढक्कन हटाएं, इसको चलाएं, और अगर लौकी नहीं पकी है, थोड़ी सी कसर है, तो वापस से ढक्कन ढक के उसको धीमी आंच पर ही पकने दें। तो ये हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से लौकी पककर तैयार हो चुकी है, एकदम पानी इसमें से सूख गया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा रंग इसमें आ गया है और बिल्कुल ड्राई साइड पर ये सब्ज़ी आ गई है। तो बस ये लौकी हमारी बिल्कुल पककर रेडी हो चुकी है कम्प्लीटली। अब इसके अंदर बस लास्ट में मैं डालूँगी गरम मसाला और धनिया। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं एक चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। तो अगर आपको ये सब्ज़ी ड्राई साइड पे सर्व करनी है तो आप इस तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी ग्रेवी जब रहती है सब्ज़ी में तो ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगती है और टेस्टी भी लगती है खाने में। और इसको हल्की सी ग्रेवी जब रहती है तो किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, चाहे चावल के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ। तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। इस टाइम पर जब सब्ज़ी बिल्कुल पक जाए तो आप ठंडा पानी ऐड ना करें, गरम पानी ऐड करें हल्का सा, और उसको थोड़ा फ्लेम हाई करके 1 से 2 मिनट तक पका लें। तो मैं बस अब फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इसको 1-2 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। तो ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है, इसको मैं करती हूँ प्लेट आउट। तो ये हमारी बहुत ही डिलीशियस लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग आया है, टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं जब कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो डेफ़िनेटली टेस्ट करके ज़रूर से देखती हूँ ताकि आपको करेक्ट फीडबैक दे सकूँ उसका। तो बनाइए ये रेसिपी, बहुत पसंद करेंगे आप लोग, चाहे इसे सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ खाएँ या चपाती या पराठे, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ट्राई कीजिए और ज़रूर से लिख के बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी, ये वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय दिस वन एंड हैव अ लवली टाइम। बाय बाय।